नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। जो DFCCIL का नोटिफिकेशन आ रखा है नया, DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले जान लेते हैं DFCCIL है क्या। DFCCIL जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, किसका, रेलवेज का, इंडियन रेलवेज का, यानी इंडियन रेलवेज में के का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PSU क्या होता है, 51% शेयर जिसका गवर्नमेंट का होता है और 49% शेयर जो होता है उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, एंड PSU जो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रन करता है। दिस इज द एग्जैक्ट डोमेन ऑफ द PSU विद विच इट वर्क्स, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न और DFCCIL काम क्या करता है। देखिए, DFCCIL को कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये जो बेसिकली इसका काम है वो काम क्या है। देखिए, पहले क्या होता था, जो डबल ट्रैक होता था हमारा, ठीक है ना, रेलवे का, उसी पे पैसेंजर गाड़ी भी दौड़ती थी यानी यात्रियों वाली गाड़ी, और उसी पे मालगाड़ी भी दौड़ती थी। तो वर्कलोड जो था उस वाले ट्रैक पे, जो डबल ट्रैक होता था उस पे बहुत ज्यादा था। तो फिर रेलवे ने क्या किया, एक अलग से PSU बनाया कि जो माल गाड़ियां हैं, ठीक है ना, जो सामान ढोने वाली गाड़ियां हैं वो अलग ट्रैक पे चले, दे आर ऑन द डिफरेंट ट्रैक्स, ओके, ताकि जो मेन वाली लाइन है उसमें वो ही चल सके, यात्रियों वाली गाड़ी चल सके, ठीक है। तो वो जो अलग ट्रैक बन रहा है मालगाड़ी को ढोने के लिए, दैट इज विच केम अंडर द DFCCIL, मीन्स डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और DFCCIL जो होता है, इस पर जो पोस्ट निकलती है वो निकलती है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलाउड होते हैं। पहले इसका जो एग्जाम पैटर्न होया करता था, ठीक है ना, वो होता था 120 नंबर का, जिसमें 96 टेक्निकल क्वेश्चन होते थे और 24 नॉन टेक के क्वेश्चन होते थे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में एग्जाम पैटर्न जो है वो मुझे लग रहा है इन्होंने RRB JEE टाइप का फॉलो कर लिया है, CBT 1 और CBT 2 का यहाँ पे चेंज हो रखा है। CBT 1 प्योरली नॉन टेक्निकल एंड CBT 2 कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशन, एंड तो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट पैदा किया है, ठीक है, क्योंकि अब ये क्यों कराया, कैसे कराया मुझे नहीं पता, रेलवे का ही पैटर्न फॉलो कर लिया इन्होंने। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप डायरेक्टली RRB JEE के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये फायदा कर दिया इन्होंने एक, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम और नेक्स्ट ईयर अगर RRB JEE की प्रिपरेशन करते हैं, सो यू वो लड़के जो ये वाला एग्जाम देंगे वो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं उसका, कि दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर RRB JEE, सो इट इज अ वेरी गुड साइन। बट डिसएडवांटेज क्या है, जिनका टेक्निकल अच्छा होता है ना उनको इस एग्जाम से बड़ी वो हो रही होगी, गुस्सा आ रहा होगा, जैसे मेरे को आ रहा है कि यार इनिशियल स्टेज पे नॉन टेक प्रिपेयर करना ना बड़ा गंदा लगता है। पुराने वाला एग्जाम पैटर्न बहुत सही था, स्मूथ एग्जाम होता था एक, ठीक है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाता था, ठीक है, 120 नंबर का, 96 टेक्निकल वाला और 24 नॉन टेक वाला, मुझे अभी भी याद है, अभी अभी पेपर हुआ था पिछले साल, और उसमें मेरे 105 कट ऑफ गई थी और मेरे 103.25 नंबर थे, एंड वो इसीलिए आए थे क्योंकि मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जो जिनका टेक्निकल अच्छा है ना उन्हें इस एग्जाम पैटर्न से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो रखी है, लेकिन ये एग्जाम पैटर्न उनके लिए बहुत अच्छा है जो RRB JEE को बहुत अच्छा टारगेट करना चाहते हैं, बिकॉज वैसा सही कर दिया है, पहला नॉन टेक दूसरा टेक, CBT 1 वाला CBT 2 वाला, सो यू कैन प्रिपेयर दिस, एंड इट इज अ PSU पोस्ट, सो यहाँ पे आपको पर्क्स भी मिलते हैं एंड क्वार्टर्स भी मिलते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन, बट रेलवे वाली वो वाली फीलिंग नहीं आती, ठीक है, बिकॉज जो असली रेलवे डिपार्टमेंट है वो तो असली का ही है। तो बस यही था आज की इस वीडियो से कि DFCCIL में वैकेंसी आ चुकी है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों अलाउड है, और पैटर्न जो है वो CBT 1 और CBT 2 का हो गया है। अब इससे पैटर्न में इसमें घटिया बात मुझे क्या लग रही है, ऐसे पैटर्नों से ना यार एग्जाम का रिजल्ट बहुत लेट आता है, बहुत लेट होता है और बड़ा टायरिंग प्रोसेस होता है यार, बहुत टाइम लग जाता है। सबसे बढ़िया रहता है एक CBT वाला, एक में ही निपटारा, खत्म काम, खेल खत्म। जैसे NHPC पावर ग्रिड का होता है ना, पेपर दिया अभी, जैसे पावर ग्रिड का है पेपर दे दिया हमने, अब जिस दिन रिजल्ट आएगा 1.5 महीने 2.5 महीने बाद, बस उस दिन पता चल जाता है कि खेल खत्म, जिसका हो गया हो गया, जिसका नहीं हुआ अगले पेपर पे निकलो। अब इसमें क्या होता है,
सीबीटी वन सीबीटी टू में पैसेंजर गाड़ी वाली फीलिंग आती है, ठीक है। सीबीटी वन एक्सप्रेस ट्रेन की तरह लगता है, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी होके ज्वाइनिंग भी सब कुछ जल्दी, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह, ठीक है। लेकिन सीबीटी वन और सीबीटी टू पैसेंजर गाड़ी होती है ना, झक 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 हर स्टेशन पे रुक रही है, टाइम पता नहीं लेट लूट होके कभी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, वो वाला फील आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटमेंट हूं मैं इस वाले पैटर्न से कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इट्स अ वेरी टायरिंग प्रोसेस एंड इट डिलेज यार, बहुत ज्यादा डिले भी होता है इससे, बट कोई बात नहीं, डिसीजन रेलवे का था ये तो उन्होंने लिया है, DFCCIL ने भी कॉपी मार दी रेलवे की, उन्हीं का PSU है, कर सकता है कॉपी, बच्चा है RRB JEE का, DFCCIL रेलवे का ही बच्चा है, तो उन्होंने कॉपी मार दी वहां से, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस, सीट्स कम है, धोना पड़ेगा अच्छे से तभी निकलेगा। सो दिस इज द टुडेज न्यूज, ठीक है। बाकी MCQ चल ही रहे हैं, MCQ लेके आऊंगा, शॉर्ट की डायोड पे आएगा अगला लेक्चर, उसके बाद हम रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, प्लेलिस्ट बनते जाएंगे ऐसे, ठीक है। और फिर बीच भी एक मेजरमेंट मेरा छूटा हुआ है, कंट्रोलिंग टॉर्क तक मैंने पढ़ाया था, डैम्पिंग टॉर्क पढ़ेंगे, फिर आगे PMMC पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, और MCQs लेके आता रहूंगा बीच में, और ऐसी वैकेंसी अपडेट्स भी, ठीक है। थैंक यू।